बोहारडी में एसीसी सीमेंट द्वारा लगाए जाने वाले लाइमस्टोन माइंस को लेकर ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया है। लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान जनसुनवाई में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के अमित जोगी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और एनसीसी प्रबंध को जमकर घेरा। अमित जोगी का कहना है कि कंपनी भोले भाले जनता को गुमराह कर रही है। आपको बता दें कि एसीसी सीमेंट प्लांट द्वारा मस्तूरी की बोहरडी में जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल होकर एक स्वर में विरोध कर रहे हैं। यह विरोध लाइमस्टोन कार्ड लगाए जाने को लेकर किया जा रहा है। ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए जनसुनवाई स्थल पर रखी कुर्सियों को तितर बितर कर दिया। दिल्ली के टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टाइजमेंट देखा और अंग्रेजी में 300 पन्ने की रिपोर्ट देखा, लोगों को भड़काकर बहलाकर फुसलाकर एसीसी कंपनी के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार के द्वारा जो लगातार छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छल किया जा रहा है, हमने इसका हर हमेशा विरोध किया है कि हमको ग्राम पंचायत को किसी प्रकार का कोई लिखित हमको शिकायत लिखित हमको कोई चिट्ठी नहीं मिला है। और दूसरी चीज, इतने दिन तक बोल रहे थे कि यहाँ पर पावर प्लांट एसीसी सीमेंट प्लांट खुलेगा करके, लेकिन यहाँ माइंस खोलने की बात है जिसका हम लोगों ने एक स्वर से विरोध किया है। आज जो एसीसी का जन सुनवाई का तय किया गया था, जिसमें उद्योग नीति और नियम था, इस कंपनी के द्वारा ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि और जिस प्रभावित किसान उनको चौपाल या ग्राम सभा के माध्यम से नहीं किया गया है, और ये तीसरा बार है ये जन सुनवाई। इससे स्पष्ट है कि एसीसी कंपनी ही फर्जी कंपनी है।